सो आवाज आ रही है बेटा सभी को? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? सर आवाज साफ नहीं आ रहा। सर एम आई ऑडिबल? आवाज साफ नहीं आ रहा। सो इफ यू सी व्हाट आई वाज टेलिंग अगेन, हमें निकालना है कौन सा कंपोनेंट? अब हमें निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर ए इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम ए एक्स ए वाई ए जेड निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एरो ए फाई और ए जेड। क्लियर? तो देखिए ए एक्स ए वाई ए जेड अगर आपको निकालना है, एक बार मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ। ओके, तो ये दिख रहा है सभी को बेटा पीडीएफ? सिमिलर थिंग वी अगेन डू। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, बस उल्टा काम कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो रिवर्स को भी फॉलो करते हैं, मतलब रिवर्स प्रोडक्ट को भी फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, वो रिवर्स कंडीशन को फॉलो नहीं करता, वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका जो भी हम लोगों ने ऊपर जो डॉट प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं यूनिट वेक्टर के, ये सब ये भी हमें नीचे भी हमें ये फायदा करेगा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट हमें अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, बस रिवर्स प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो देखिए ax में a वेक्टर डॉट ax कैप आ गया, a वेक्टर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या है, a रो इनटू रो कैप प्लस a फाई इनटू फाई कैप प्लस a z इनटू z कैप मल्टीप्लाइड विद ax कैप। अब ax कैप का इन तीनों के साथ डॉट है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से थे बताइए, यूनिट वेक्टर कौन कौन से थे, ax, ay और az, या रो फाई और z। ठीक है, हम इसमें रो डॉट ax निकालेंगे, फाई डॉट ax निकालेंगे और z डॉट ax निकालेंगे। ये सब हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं आप। ax डॉट रो को हम रो डॉट ax भी लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट आपके रिवर्स मल्टीप्लीकेशन को भी फॉलो करते हैं सिमिलर वे में। तो रो डॉट ax इज इक्वल टू अगेन cos phi होगा, ऐसे ही phi डॉट ax अगेन माइनस साइन phi होगा, ऐसे ही रो डॉट ay अगेन आपका प्लस साइन phi होगा, phi डॉट ay अगेन आपका cos phi होगा। ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा। इन सब को रखते हुए हम ये देखिए ax निकाल लिए, फिर ay निकाल लिए और फिर az निकाल लिए। ठीक है, az आपका az के ही बराबर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि z कंपोनेंट दोनों में पैरेलल है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। ऐसे ए वाई निकालेंगे तो ए वाई में ए वेक्टर डॉट ए वाई कैप आ जाएगा, और ए वेक्टर फिर अगेन हम कौन सा रखेंगे निकालना है, पिछले वाले में हमने क्या निकाला था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो हमने ए वेक्टर की वैल्यू रेक्टेंगुलर वाली रखी थी, इसमें ax, ay, az कंपोनेंट आ रहे हैं। अब ये रख दिया, इसको ay से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ay से करेंगे तो अगेन जो ये हमारे यूनिट रो डॉट ay कैप, फाई डॉट ay कैप और z डॉट az कैप, ay कैप ये कहां से मिल जाएगा, ये यहां से मिल जाएगा, ये देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, रो डॉट ay कैप, फाई डॉट ay कैप यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, इनकी वैल्यूज आप रख देंगे और आपको मिल जाएगा ए वाई कंपोनेंट। ए वाई क्या मिल जाएगा, सिंपली ए रो साइन फाई प्लस ए फाई कॉस फाई माइनस ए फाई साइन फाई, और ए जेड ए जेड के ही बराबर रहेगा। अब आपको क्या करना है, ए एक्स ए वाई ए जेड मिल गया है तो इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, देखिए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड ए जेड कैप, तो इसमें आप ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू रख सकते हैं और आपको वेक्टर ए मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, आसान पड़ेगा इससे आप न्यूमेरिकल करने में भी, आपको पता है ये वेक्टर आपके पास अवेलेबल है, एक ये वाला वेक्टर जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगुलर टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, रेक्टेंगुलर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ए वेक्टर है इसके कंपोनेंट क्या है, इसको लेफ्ट साइड किसके कंपोनेंट लिखेंगे, रो ए रो ए फाई और ए जेड के कंपोनेंट। तो ये इसके जो कंपोनेंट है ये देख सकते हैं, ए एक्स का जो कंपोनेंट है वो क्या है इन टर्म्स ऑफ ए रो बताइए, ए एक्स का कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ ए रो क्या है? हेलो, यस सर, बताइए क्या है बेटा? सर वो उसका सर जो कॉस फाई और हाँ कॉस फाई और माइनस साइन फाई वाला,
cos phi और minus sin phi ये है ना, तो cos phi minus sin phi यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में देखेंगे ay कंपोनेंट में, यहाँ ay कंपोनेंट में देखेंगे तो क्या है, sin phi और cos phi है, मतलब a रो sin phi और a phi cos phi, और az कंपोनेंट क्या है, जीरो है, तो az कंपोनेंट जीरो हो गया, जीरो वन, ठीक है। अब az वाले में देखेंगे तीसरा वाला जो az कंपोनेंट, az में केवल az ही एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी ax और ay जीरो है, ax और ay जीरो हो गया, az की वैल्यू 1 हो गई, और इधर a रो a phi az आ गया। तो आप सिंपली आपको अगर ax निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ax इक्वल टू cos phi ये लेंगे, ये पूरा कॉलम आपका हट जाएगा, cos phi into ये वाले क्रॉस प्रोडक्ट, तो cos phi into 1 minus 0 dot 0, तो cos phi into 1 cos phi आ जाएगा, तो cos phi minus 0 into cos phi, क्योंकि ये cos phi आपने बाहर लिया था, और a रो, इज इट क्लियर? देख सकते हैं ना ax की वैल्यू क्या होगी, ax आ जाएगा a रो cos phi minus a phi sin phi, यही तो आएगा, yes sir, ठीक है। ए वाई क्या आ जाएगा, जैसे आप मैट्रिक्स वो उसको एक तरह से कह सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी तरह से डिटरमिनेंट वैल्यू को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जब ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो इसका और इसका आ जाएगा क्रॉस, ठीक है, माइनस में ए एक्स इज इक्वल टू, सिंपली ए एक्स इज इक्वल टू ए रो कॉस फाइव वाले कंपोनेंट और साइन फाइव वाले कंपोनेंट, ये सिंपली जैसे आप लोग निकालते हैं मैट्रिक्स में वैसे ही करना है, ठीक है। ऐसे इसको हमने देखिए रिवर्स वाले को भी लिख लिया, इधर a रो a phi is az कंपोनेंट आ गया, और इस वाले मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा हमारा, इधर ये वाले कंपोनेंट आ जाएंगे जो अभी हमने पहले निकाले थे, ये वाले वो क्या है ax, ये देखिए ax cos phi plus ay sin phi, ठीक है, और minus ax sin phi plus ay cos phi plus az, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ax cos phi और ay sin phi, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप पहला कंपोनेंट आ गया ax cos phi plus ay sin, दूसरे में क्या आ जाएगा minus ax sin phi plus ay cos phi, यहाँ देख सकते हैं minus ax sin, और थर्ड वाले में 0 0 1, तो सिंपली az हो गया, ठीक है। तो ये आपका बहुत सिंपल है, इसको a रो a phi az having matrix this and a रो a phi az in terms of ax, ठीक है। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया? ये तो आपको मैट्रिक्स याद रखनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिससे जिसका ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा उसकी मैट्रिक्स आपको लर्न रहेगी, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के सिस्टम की बात करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपके पॉइंट्स कौन थे आर थीटा और फाई, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, दिस इज आल्सो नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को बताया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। थीटा पोलर एंगल है, ठीक है, थीटा क्या है, पोलर एंगल। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आर रेडियल एक्सिस है, एक पॉइंट पी हमने लिया है जिसका प्रोजेक्शन हमने नीचे फॉल किया, यहाँ पे इस प्रोजेक्शन पॉइंट को हमने ओरिजिन ओ से मिलाया है, जो कि फाई एंगल बना रहा है, जिसको हम एजीमुथ एंगल भी बोलते हैं, विद द एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये रेडियल एक्सिस आर है जो कि थीटा एंगल पे है विद द जेड एक्सिस, ठीक है। इसका अगर आप कंपोनेंट जेड की तरफ निकालेंगे तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, वाई की तरफ निकालेंगे तो आर साइन थीटा हो जाएगा, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने इसके पॉइंट्स निकाले थे, जो कि मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, पॉइंट्स क्या क्या निकाले थे ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, x की वैल्यू r sin थीटा cos phi cos थीटा, याद आ रहा है, लास्ट टाइम बताया था मैंने, हेलो, यस सर, ये बेटा याद, ये हमने लास्ट टाइम बताया था, यस सर x y z इन टर्म्स ऑफ r थीटा एंड phi, ये हमने कंपोनेंट्स ब्रेक करके आपको बताए थे कैसे कैसे आ रहे हैं, यस सर, इसी से, ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, तो इससे आपको हमने फिर r बताया था, थीटा बताया था, phi बताया था कैसे निकालेंगे। r निकालने के लिए हमने बताया था सिंपली आप क्या करिए, तीनों को स्क्वायर कर दीजिए, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर, स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ गई थी। थीटा निकालने के लिए हमने बोला था ये जो थीटा वाले कंपोनेंट है, जैसे एक साइन थीटा, एक ठीक है कॉस थीटा, जैसे आपको निकालना है तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कैसे आएगा बताइए, क्लियर। अब इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन है,
ये तो आपका सिंपल जो हमने बताया था टर्म्स, ये तो आपको याद ही रखना है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, वेक्टर टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक वेक्टर है ए वेक्टर, ax ax कैप प्लस ay ay कैप प्लस az az कैप, इसको हमें चेंज करना है किसमें, किसमें चेंज करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, नहीं सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल का मतलब हो गया ar r कैप प्लस a थीटा, थीटा कैप प्लस a phi phi कैप, क्लियर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ax ay और az। ऐसे ही ax ay az आप निकाल सकते हैं टर्म्स ऑफ ar a थीटा एंड a phi, इज इट क्लियर। ये वेक्टर टू वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। अब आप यहां देख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट्स आपको कुछ गिवन है, मैचुअली r डॉट थीटा, r डॉट थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये देख सकते हैं, ये आपका r है, दिस इज योर r वेक्टर एंड दिस इज योर थीटा वेक्टर, तो r का थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, r डॉट थीटा, बताइए r और थीटा क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, ये दोनों r डॉट थीटा, थीटा डॉट फाई, फाई डॉट r, ये तीनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो होगा, देखिए r डॉट थीटा, थीटा डॉट फाई एंड फाई डॉट r, ये हमारे जीरो देंगे क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हैं, लेकिन अगर हम r डॉट r करेंगे, थीटा डॉट थीटा का करेंगे, फाई डॉट फाई करेंगे, तो ये हमारे वन देंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर सिमिलर यूनिट वेक्टर हैं जिनको आपस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो दैट्स व्हाई द रिजल्ट विल बी वन, इज इट क्लियर। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो r क्रॉस थीटा आपको क्या देगा, फाई देगा, ये कैसे आ रहा है, ये कौन बताएगा क्या आ रहा है, एक हमने आपको सर्कल बताया था, इस तरह से एक सर्कल बना लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ये आपका r हो गया, ठीक, राइट साइड में हम लोग चलेंगे, या तो राइट चलेंगे या लेफ्ट चलेंगे, तो ये हो गया r, ये हो गया थीटा और ये हो गया फाई, इनका ये सीक्वेंस है r थीटा और फाई, तो देखिए क्रॉस थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, yes, sir. देखिए ना इस वाले को क्रॉस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, मिलेगा r मिलेगा, द नेक्स्ट वाला है थीटा क्रॉस फाई इज इक्वल टू r, थीटा क्रॉस फाई इज इक्वल टू r, ठीक है, और फाई क्रॉस r करेंगे, फाई क्रॉस r का थीटा क्रॉस r कर देंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो थीटा क्रॉस r करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस फाई मिल जाएगा, ठीक है, फाई क्रॉस थीटा करेंगे तो माइनस r, क्लियर, समझ में आ रहा है, yes, sir. तो आगे हम लोग इसको ये आगे वाले जो करेंगे फिर न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है, इन पे बेस न्यूमेरिकल कराएंगे और पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा कि जो नोट्स की आसानी होगी, क्लियर, किसी को कोई डाउट, मैं अब अटेंडेंस ले ले रहा हूं, बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नो सर, नोट्स नोट्स मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को, ठीक है, किसी को कोई डाउट होंगे तो पूछ लें, पूछ सकते हैं आप लोग, तो अपनी अपनी आप लोग जरा पिक्चर्स ऑन करिए, वीडियोस, ओके, विशाल चौधरी 144, विशाल चौधरी आप तो अलाउड ही नहीं बेटा, लेकिन मैं मार कर ले रहा हूँ, श्रेया सिंह सर मैं कह रहा था सर कॉलेज ओपन होगा अभी, श्रेया सिंह है 122 रोल नंबर, नहीं श्रेया श्रीवास्तव, श्रेया श्रीवास्तव प्रेजेंट सर, श्रेयांश कृष्णा, श्रेयांश कृष्णा 124, श्रेयांश आवाज आ रही है, 125 है, 127, 128, 129, 130, 130, 130 नहीं है, 131, 131 प्रेजेंट सर, तुम भी इन्वॉल्व थे, ओके, यस सर, 132 सिद्धार्थ, 133 प्रेजेंट सर, ओके, 133, 134, जिनका जिनका मैं रोल नंबर ले रहा हूँ अपना वीडियो ऑन कर दिया, 134, 135, 133, ठीक है, 135 लगा दिया बेटा आपका, 135 प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, 136 प्रेजेंट सर, 137 प्रेजेंट सर, 138 प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर,
139 स्वराज नहीं है, 140 141 142 143 145 145 विशाल राय 146 9001 9001 9002 प्रेजेंट सर आर सर यस सर 9003 9004 9005 9006 नोडिंग दे ओके ठीक है थैंक यू क्लास